हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में सारी जानकारी दूंगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाइपरलिंक को ओपन कैसे करेंगे। तो हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले विंडो में डेटा लाना होगा एमएस वर्ड में। तो डेटा लाने के लिए यहाँ पे मैं इक्वल आर ए एन डी रेंड ऑप्शन का यूज करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंड ऑप्शन चलाया और मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा सा मैं डेटा का साइज यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। इसको बड़ा करने के लिए, डेटा को बड़ा करने के लिए या फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ग्रो फॉन्ट का भी यूज कर सकते हो और फॉन्ट साइज का भी यूज। तो मैंने यहाँ से फॉन्ट साइज कर दिया 16 था, थोड़ा सा डेटा क्या हो गया यहाँ पे साइज बड़ा हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किसी एक वर्ड को ये सेलेक्ट किया, इसको डॉक्यूमेंट वर्ड को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आपको पहले हाइपरलिंक का मतलब मालूम होना चाहिए कि हाइपरलिंक की डेफिनेशन क्या होती है। तो हाइपरलिंक का यूज क्या होता है यहाँ पे? हाइपरलिंक का यूज होता है कि सेलेक्ट किए गए वर्ड में कोई फाइल अटैच करना ही हाइपरलिंक कहलाता है। तो यहाँ पे हमने वर्ड सेलेक्ट तो कर लिया, अब हमको क्या करना है यहाँ पे इसमें फाइल अटैच करना है। तो वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में क्लिक करोगे आप तो यहाँ से इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए एक विंडो ओपन होती है। यहाँ से आपको वो फाइल अटैच करना है जो आप करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से एक फाइल बना के रखी हुई है युवा कंप्यूटर की, है ना। तो यहाँ से मैं युवा कंप्यूटर फाइल में जाऊंगा, जैसे मेरी यहाँ पे ये युवा कंप्यूटर ये फाइल है, मैं इसमें क्लिक करूंगा और नीचे ओके ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी फाइल क्या हो जाती है? हाइपरलिंक हो जाती है। अब बात ये आती है कि हाइपरलिंक को ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप माउस का कर्सर ले जाते हैं तो देखो एक यहाँ पे अलर्ट आता है। क्या आता है यहाँ पे? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब लिंक को फॉलो करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है। यहाँ से जैसे मैं कंट्रोल बटन दबा के रखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो फॉलो होने के लिए तैयार। यहाँ पे मैं इसमें क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या आता है? सिक्योरिटी नोटिस आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यस करना है। जैसे आप यस करोगे यहाँ से तो जो फाइल आपने हाइपरलिंक किया था वो फाइल ओपन हो जाती है। देखो जैसे मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, यहाँ पे देखो ये नाम भी शो कर रहा है कि युवा कंप्यूटर की फाइल ओपन है। ठीक, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि यदि आपने हाइपरलिंक किया है तो उसको उसको हाइपरलिंक से हटाना कैसे है, है ना। तो इसको पहले क्या करना है, जो फाइल आपकी ओपन है उसको यहाँ से क्लोज कर देना है, तो पिछली फाइल में पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने हाइपरलिंक किया था। अब उसी वर्ड को जिसमें आपने हाइपरलिंक किया था उसी वर्ड को फिर से सेलेक्ट करना है और हाइपरलिंक में जाके फिर से क्लिक करना है तो एडिट हाइपरलिंक की एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपको रिमूव ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे? देखो रिमूव लिंक का, रिमूव लिंक में आप क्लिक करोगे यहाँ से तो हाइपरलिंक क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। फिर आता है यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन बुकमार्क। तो बुकमार्क का यूज क्या होता है? बुकमार्क का यूज होता है जैसे आप कोई बड़ी फाइल है आपके पास, बड़ी फाइल है उसको आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपको कोई मार्क लगाना है या पढ़ते समय आपको कहीं आवश्यक काम से जाना पड़ जा रहा है तो आप जहां तक उस फाइल को पढ़े हुए हैं वहां पे कोई मार्क लगाने के लिए बुकमार्क का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मेरे को, मैंने यहाँ पे लॉक्स सॉरी ब्लॉक्स ब्लॉक्स तक यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ तक पढ़ा और यहाँ पे मैं कोई क्या करना चाहता हूँ, मार्क लगाना चाहता हूँ, तो वहां पे आपको कर्जर ले जाना है और बुक मार्क में क्लिक करना है तो बुक मार्क की एक विंडो ओपन होती है।
यहाँ पे आपको वो मार्क लिखना है या फिर आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डे वन, मैंने मतलब फर्स्ट डे इस फाइल को यहाँ तक पढ़ा और उसमें मैंने मार्क लगा दिया। देखो डे वन लिखना है, बुक मार्क नेम लिखना है और यहाँ पे आपको ऐड बटन मिलेगा, ऐड बटन में क्लिक करना है तो बुक मार्क यहाँ पे ऐड हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे आपने यहाँ तक या मैंने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक है ना। यहाँ पे भी मैं कोई बुक मार्क लगाना चाहता हूँ तो जाएंगे बुक मार्क में फिर से। अब यहाँ पे पहले जो हमने किया था बुक मार्क वो देखो विंडो यहाँ पे ओपन तो हो रही है लेकिन यहाँ पे आपको नेम चेंज करना है। मैंने बोल दिया दूसरे डे मैंने यहाँ तक पढ़ा और कर दूंगा ऐड, यहाँ से ऐड कर दिया। फिर मैंने बोला तीसरे दिन मैंने, तीसरे दिन और यहाँ तक पूरी फाइल पढ़ लिया है ना। तो बुक मार्क में जाएंगे और मैंने बोल दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने डे थ्री और कर दूंगा ऐड। अब मैंने 3 दिन में ये फाइल पढ़ा ठीक। अब बाद में मैं कुछ दिनों बाद ये फाइल ओपन करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि डे वन में मैंने फाइल को कहाँ तक पढ़ा था, डे टू में कहाँ तक पढ़ा था, तो मैं किसको बुक मार्क को ही ओपन करूंगा यहाँ पे। तो बुक मार्क में आप जाइए और इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे बुक मार्क की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जानना है कि डे वन में कहाँ तक पढ़ा था तो डे वन में क्लिक करना है और गो टू बटन में क्लिक करना है तो आपका कर्जर वहां पे चला जाएगा जहां पे डे वन तक पढ़ा था आपने। देखो ये यहाँ पे ये आपका कर्जर यहाँ पे आ जाता है। पर यदि आप ऐसे देखना चाहते हैं कि डे टू में कहाँ तक पढ़ा था तो डे टू में क्लिक कीजिए और गो टू में क्लिक करो तो हमारा कर्जर वहां पे चला जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि डे थ्री में कहाँ तक पढ़ा हमने तो डे थ्री में जाइए और यहाँ से गो टू में क्लिक कीजिए ये ठीक। अब एक ऑप्शन यहाँ पे डिलीट है तो अब यदि आप बुक मार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो जो बुक मार्क डिलीट करना चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए और डिलीट बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ से जैसे ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तीनों बुक मार्क डिलीट कर दिए और एग्जिट। फिर आ जाएगा नेक्स्ट, मैंने बोला था आपको कि हेडर फुटर पढ़ाऊंगा तो आते हैं हेडर में। तो हेडर का यूज क्या होता है, हेडर का यूज होता है पेज के सबसे ऊपर कोई हेडिंग या टाइटल देने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में पेज के ऊपर हेडिंग या कोई टाइटल देने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। जैसे आप हेडर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेडर की एक विंडो ओपन होती है, यहाँ से आप हेडर का टाइप चुन सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे चुन लिया। अब यहाँ पे हेडर में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं टाइटल में वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया युवा कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर मेरा क्या है यहाँ पे, ये हेडर में टाइटल मैंने दे दिया। अब कर दूंगा एंटर, यहां से मेरा क्या हो गया, हेडर लग गया। अब यदि आप हेडर में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं या हेडर का टाइटल बदलना चाहते हैं तो यहां से आपको हेडर में फिर से जाना है और देखो एडिट हेडर का ऑप्शन मिलता है, किसका, एडिट हेडर का। तो एडिट हेडर में जाइए तो कर्सर आपका वहां पे आ जाएगा, आप यहाँ से हेडर को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कर दिया है ना, जैसे मैंने बोल दिया अब यहाँ पे मैं एडिट हेडर को क्लिक करके मैं और यहाँ पे लिख दिया केवल कंप्यूटर, बस क्या लिख दिया, कंप्यूटर PompuTER ये और एंटर कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे हेडर क्या हो गया, एडिट हो गया। यदि हेडर को आप क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो तो हेडर में जाके फिर से क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिमूव हेडर का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करोगे तो रिमूव हेडर हो जाएगा, हेडर क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर जैसे आपको यदि आप फुटर लगाना है तो फुटर लगाने के लिए क्या करना है, फुटर का यूज क्या हो जाएगा, जैसे आपने हेडर को पेज के सबसे ऊपर हेडिंग या टाइटल देने के लिए यूज करते हो वैसे ही फुटर का भी यूज किया जाता है लेकिन इसका यूज होता है पेज के सबसे नीचे साइड। तो जैसे आप फुटर में क्लिक करोगे वैसे ही इसकी भी विंडो ओपन हो जाएगी। एक हेडर में यहाँ से आप सेलेक्ट, एक हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए तो सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पेज के सबसे नीचे हेडर लगा हुआ मिलेगा। अब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे कोई भी हेड फुटर में कोई भी यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं या टाइटल दे सकते हैं।
ये। अब यदि इसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो हेडर फुटर में जाइए और एडिट या रिमूव करना चाहते हैं तो एडिट और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहां से मैं रिमूव कर दे रहा हूं। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पेज नंबर। तो पेज नंबर क्या होता है, फाइल में, सॉरी पेज नंबर, फाइल में क्या होता है यहाँ पे पेज का नंबर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे मेरा एक ही पेज है तो मैं यहाँ से कुछ और डेटा ले आता हूँ जिसमें आपको कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं रैंड के ऑप्शन से और भी डेटा लेके आ रहा हूँ। मान लो मैंने बोल दिया 20 पैराग्राफ, तो यहाँ से मैंने 20 लिखा और ये है ना। तो यहाँ से देखो मेरे कितने पेज हो गए, यहाँ पे देखो स्टेटस बार में 6 पेज हो गए। अब मैं पेज में क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे नंबर देना चाहता हूँ। तो आपको नंबर देने के लिए किस में जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज में चला जाता हूँ, पहले इंसर्ट टैब में जाना और हेडर और फुटर ग्रुप में पेज नंबर मिलेगा। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो इसकी एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। पॉपअप विंडो में देखो कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, टॉप ऑफ पेज मतलब पेज के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको नंबर देना है तो यहाँ इसमें क्लिक कीजिए। यदि आप बॉटम्स पेज के सबसे नीचे देना चाहते हैं या मार्जिन में देना चाहते हैं, करंट पोजीशन में देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक ऑप्शन टॉप का सिलेक्ट करता हूँ तो टॉप में जैसे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से देखो इसके कुछ सैंपल आ जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया प्लान पेज, प्ले पेन प्लान नंबर 2 आ गया है ना, और प्लान नंबर 3। तो जैसे यहाँ पे क्या जाएगा, प्लान नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में है। देखो जैसे यहाँ से ये पेज नंबर 6 हो गया है ना। अब मैं जाता हूँ ऊपर यहाँ से तो देखो अपना पेज नंबर यहाँ पे लग चुका है, पेज नंबर 1 में। ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 1, फिर इसके नीचे आपको पेज नंबर 2 मिलेगा यहाँ से। तो सभी पेज जितने भी अपनी फाइल में पेज होंगे उनमें सभी में पेज नंबर लग जाएगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।